हमारे इधर संडे, हाय गाइस। हाँ संडे है आज, आज आमच्या इकडे, तुमच्या इकडे मला नाही माहिती काय आहे तो, पण आमच्या इकडे हमारे इधर है संडे। तो दाजी ने देखो कैसी सब्जी लाई, सब्जी तरकी लाई भाई दाजी ने बहुत सारी, और लय म्हणजे लय महंगी बर का ही जी सब्जी तरकारी है का, लय महंगी। तुम्हाला दाखवते मैं तुमको दिखा देती क्या क्या आणला आहे दाजी ना। तो ये देखो गावरान टमाटा लाए, गावरान टमाटा ये बहुत ही अच्छा लगता, इसका मटन बहुत ही अच्छा, मटन की भाजी में एक नंबर होता है इसका, कालवन कोड़ लय भारी होता है इसका। तो तुम कभी गए ना भाजी मंडी में तो तुम गावरान ही लाना मटन में डालने को, और इसका बेसन भी बहुत अच्छा होता, बेसन में डाले ना तो बेसन भी इसका अच्छा होता। तो मैं तुमको दिखाती क्या क्या लाया है दाजी ने, एक मिनट। तर आता मैं पहले तो तुमको दिखाती दाजी ने मेरे को चना लाया, चना खाने को, ये देखो है का, चना बहुत अच्छा रहता खाने को, ये देखो। सब्जी क्या क्या लाई मैं तुमको बताती क्या सब। तो ये लाए है हरी मिर्ची है, इसका ठेचा बहुत अच्छा होता, ये गावरान है हमारे इधर की, गावरान लौंगी मिर्ची है, ये ऐसी काली काली ऐसी हरी 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 लेने का, ऐसी निबर निबर। अगर तुमको पता नहीं है ना कि कैसे समझना तिखट मिर्ची कसी है कसी नहीं, तो इसको ऐसा दबा के देखना, ये अगर ऐसे निबर हो गई ना ऐसे निबर, तो समझना ये बहुत तीखी है, और ऐसी पिच पिची रही ना तो समझना ये फीकी है। प्याज लाए, ये देखो ये है अपनी डब्बू मिर्ची, हम इसको डब्बू मिर्ची बोलते, तुम इसको क्या बोलते, शिमला मिर्ची, हम इसको डब्बू मिर्ची बोलते। तो इसके अंदर है ना शेंगदाण्याचा कूट घालायचा, ये कापायचं, याच्यामध्ये है ना शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा, ये लय मस्त भाजी होती याच्या, एक नंबर होती याची भाजी। तर हे आणले तू वांगे, ये है एक टांका मुर्गा भाइयो, ये देखो ये एक टांका मुर्गा है, ये बहुत ही अच्छा होता इसकी सब्जी, ये है बड़ा वाला, इसका हम वो क्या बनाने वाले, वो क्या नहीं रहता क्या उसका, वो वांग्या का भरीत, मैं इसका कल वांग्या का भरीत बताऊंगी तुमको, एकदम टेस्टी टेस्टी मस्त पैकी। तर तुम जरूर देखना वांगे की हमारी सब्जी कैसी, मतलब भरीत कैसा है, हमारे गावरान हमारे गाँव का घर झन झन चम 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 चम, तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन इससे खाज बहुत आती खुजली, जिनको नहीं सहन होता ना तो वो नहीं खाए, क्योंकि वो वायतल रहता ना इसलिए। तो ये लाई है, ये देखो लंबी लंबा कैसा है, ये लंबा लंबा मिर्चा, हाँ देखो ये घन कमेंट करने वाले को डालना ऐसा गंदे कमेंट जो करते ना मेरे को उसको ऐसे डालने का उसको तो एक एक लाइक एक एक फॉलो कर दो भाई जल्दी जल्दी, मैं ऐसे आपको अच्छा अच्छा बताऊंगी। ये देखो लाया है हरी मिर्ची, ये हमको तल के खाने का है, तल के मतलब इसको तलने का, इसमें डालने का क्या डालने का, इसमें वो मीट डालने का, मीट इसमें मीट डालने का, फिर उसको तलने का, उसको परतने का, ऐसा बहुत अच्छा लगता परतने के बाद। ये ककड़ी लाई है दाजी ना, ककड़ी भी अच्छी है, और ये लाया है दाजी ने, ये देखो क्या है, ये करला, तो ये करला है, ये करला खाने का बहुत ही अच्छा रहता, इसको खाने का मजी खाएच करला सगळ्यांनी, कोणला कडू लागला तर मी तर खात नाही आहे, पण करला खाल्लेला आहे का, लय म्हणजे लय शरीरासाठी गुणकारिक असतंय, एक स्क्रीनशॉट घेते, तर शरीरासाठी हे गुणकारी असतंय, लय म्हणजे लय गुणकारी असतंय, म्हणून तुम्हाला करलं खायचेच खाते। आता मैं इसको परतने वाली हूँ, वो इसको पहले मैं कापती खपा खपा कापती, और फिर वो मीठा ऐसा डालती, एक घंटा इसका इसको ऐसा भिगाती मैं मीठ में, मुझे ऐसे मीठ लाऊन तेला भिजू घालते एक घंटा थोड़ो, आणि मग तेला धुवून सनी ना मग तव्यावर परतीनार। तो एक नंबर भाजी होती, एक नंबर सब्जी होती उसकी, और ये हमारे गाँव की देखो कोथरी में कितनी बड़ी बड़ी है, कितना बड़ा बड़ा अच्छा है ये देखो है क्या, देखा ये गावरान कोथरी में है गावरान, इसका मटन बहुत ही अच्छा बनता, मटन वांगे की सब्जी कुछ भी बनाओ तुम कुछ भी, इसका बहुत ही अच्छा बनता, क्योंकि इसका वास बहुत अच्छा आता ना भाजी में, मटन कश कशा मधी पण उसका वास बहुत अच्छा आता, गावरान है ना ती त्याच्यामुळे। आणि शेपू, शेपूची मस्त आहे का नाही,
मस्त है शेप पूछी भाई। इसको हम दाल डालने के पकड़ने का, वो दाल नहीं के मूंगा की दाल, हाँ तो मूंगा की दाल डालने का और फिर उसमें ऐसा मस्त पैकी बनाने का। तो कैसा लगा आपको हमारा भाजी? दाजी ने लाया आज भाजी मंडी, दाजी से लाते। देखो अभी ये भाजी बहुत महंगी है, 500-600 रुपए की आसनी भाजी माहिती का। लय महागाई हो आमच्याकडे, लय महागाई गावाकडे, गाव आहे मस्त म्हणायला आमचं, पण इकडं इतकी महागाई ना, लय महागाई गाव असून पण लय महागाई। त्याच्यामुळे सांगायला लय, आणि हिरवी मिरची तर एक नंबर आहे। तर एवढा सगळा भाजीपाला आणलाय दाजीनं बघा, तर बघा है का, तर नक्कीच सांगा कसा आणलाय भाजीपाला दाजीनं। आणि दाजी सांगतात नेहमी भाजीपाला, तुम्हाला पण माहिती आहे मी पहिले जात होते तरी पण झाले मला 4 वर्षाच्या आधी मी जात होते भाजी मंडी सगळी करत होते, पण नंतर मी जात नाही आहे कारण की मी भांडणं होते, मेरा झगडा होता किसी के साथ भी, मेको सहन नाही होता, कोई मेको बोला ना कुछ तर मेको सहन नाही होता, तो मी डायरेक्ट मी झगडा करती, मारा मारा करती, इसलिए दाजी आहे ना मेको जाने नाही देते किधर भी, वो भाजी मंडी बिजी मंडी में। तो देखो आता तरी पण हे नाही आणली, मेथीची भाजी नाही आणली, आणि मूग आणायची होती, मटकी आणायची होती, तर काय मूग मटकी नाही आणली बघा है का। तर करा मग एक एक लाईक खपा खप टपाटप, आणि सांगा व्हिडिओ कसा वाटलाय, आणि हो जैन ज्यांनी सबस्क्राईब नसेल केला सबस्क्राईब करा नोबड्या हो, खपा खप टपाटप यस ये कॉमेडी क्वीनला काय, हां लव यू बाय, टेक केअर, घ्या काळजी।